नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आप सभी दोस्तों के सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी कंपटीशन के दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं यह वीडियो बनाना वाजिब समझा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और एग्ज़ाम का कोई भी फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है और आप जब जाते हैं साइबर कैफे, वहाँ घंटा दो घंटा लग ही जाता है। जाहिर सी बात है, वहाँ पहले से ही कुछ लड़के फॉर्म भरवा रहे होते हैं या भर रहे होते हैं, तो आपको बोलता है कि कुछ देर रुकिए, उसके बाद आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह अगर आप महीने में 3-4 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टाइम बर्बाद होता ही है, प्लस आपका पैसा भी डबल लग जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में पैसे का क्या कीमत होता है, एक सच्चे स्टूडेंट से पूछिए आप। दोस्तों, मेरा मानना है कि साइबर कैफे वाला ज़्यादा होशियार भी नहीं होता है, वो आपसे कम ही होशियार रहता है। सिर्फ उसके पास रोज़ फॉर्म भरने का टैलेंट होता है। अगर आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो आप भी अपना फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 3-4 ऐसा वेबसाइट बता देता हूँ जो कि साइबर कैफे वाले लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डेली नौकरियों से रिलेटेड अपडेट आते रहता है। जो न्यू वैकेंसी निकलता है वो तुरंत अपडेट इस पर चला आता है, तो यही सब वेबसाइट को यूज़ करते हैं वो लोग। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आगे भी कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो कि आपको मालूम भी हो या नहीं भी। दोस्तों, मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ, ना जाने आपके काबिल का कभी एक वीडियो बना डालूँ जिससे आपका काम बन जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो डाले सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है सरकारीरिजल्ट.com, ठीक है, सरकारीरिजल्ट.com। इसी पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। देखिए, ये अगर इस तरह का नहीं खुलता है तो आपको क्या करना है, राइट साइड ऊपर में है, अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं उसकी बात हम कर रहा हूँ, तो राइट साइड ऊपर में 3 डॉट जो है उस पर आप क्लिक कीजिए यहाँ ऊपर में, और नीचे आकर के डेस्कटॉप साइड पर चेक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल में कंप्यूटर लैपटॉप जैसा पेज खुलना लगेगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए, नीचे में सब कुछ है, लेटेस्ट जॉब है, एडमिट कार्ड है, पहले एडमिट कार्ड आता तो इसी पर अपडेट आ जाएगा, रिजल्ट से रिलेटेड है। देखिए, नीचे आइए और नीचे आइए, यहाँ देखिए एडमिशन का किसका किसका चल रहा है, सिलेबस किसका किसका आया है, आंसर की, इसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये सब आपको यहाँ मिलते रहेगा, लेटेस्ट न्यूज ये सब है, ठीक है। तो चलिए, एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम मान लीजिए कि हम चलिए एक कोई यहाँ ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का खुलेगा। यहाँ देखिए पूरी जानकारियाँ हैं, आप यहाँ से ही पता कर सकते हैं। इसको नीचे आइए, ऑनलाइन अप्लाई, देखिए अप्लाई ऑनलाइन यहाँ ये है, यहाँ आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए पेज खुल जाएगा, पेज खुल गया है। जहाँ जहाँ रेड स्टार लगा है दोस्तों, जिस के आगे रेड स्टार लगा है वहाँ वो आपको भरना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी कोई फॉर्म भरता है तो सबमिट नहीं लेता है, तो रेड स्टार जहाँ जहाँ लगा है वो कॉलम आपको भरना ज़रूरी है। अगर वो नहीं भरिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं लेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह का अगर फ़ोटो की बात करें तो दोस्तों मेरे चैनल पर वो भी है, फ़ोटो से फ़ोटो रिसाइज कैसे करेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख वहाँ से जा कर के देख सकते हैं फ़ोटो रिसाइज कैसे करते हैं। और एक बात दोस्तों, ये पूरी जो मैं 3-4 जो बता रहा हूँ वेबसाइट में, सारा वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जा करके सीधे इस पेज पर ओपन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दूसरा वेबसाइट को बताता हूँ। दूसरा वेबसाइट है फ्री जॉब अलर्ट, ठीक है, फ्री जॉब अलर्ट, FREE, देखिए आ गया ऊपर में, इसी को ले लेते हैं टाइम बचाते हुए, और नीचे में आइए और यहाँ देखिए ये है FREE JOB ALERT.com।
इस पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद पेज खुल जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह बाय द वे पेज नहीं खुलता तो आपको राइट साइड ऊपर में थ्री डॉट जो है उसको लगा करके यहाँ चेक लगा लीजिएगा डेस्कटॉप साइड पर। यह आपको ध्यान में हर हमेशा रखना है। अगर आप अपने फ़ोन में बड़ा बड़ा पेज खोलना चाहते हैं तो आपको ये काम करना ज़रूरी हो जाएगा, तभी बड़ा बड़ा पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पूरा देखिए, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन रिजल्ट, एग्ज़ाम डेट, आंसर की, कट ऑफ मार्क, ये सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, न्यू अपडेट यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसी तरह देखिए। चलिए तीसरा आपको वेबसाइट बता देते हैं। तीसरा नंबर में ये आता है रोज़गार रिजल्ट। ठीक है, देखिए आ गया है, टाइम बचाते हुए इसी को ले लेता हूँ। ऊपर में देखिए रोज़गार रिजल्ट, इस पर सर्च कर दीजिए और पहले वाला लिंक को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए आ चुका है, यहाँ पूरी जानकारियाँ हैं, सब कुछ है। ठीक है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, टॉप ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों यही वेबसाइट है जो कि साइबर कैफ़े वाले लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फर्स्ट नंबर में हम जो बताएं सरकारी रिजल्ट वो वाला, तो ये दोनों जो है वो साइबर कैफ़े वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी है, एक और है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए उसी तरह का है, सेम टू सेम जिस तरह सरकारी रिजल्ट में आपको देखने को मिला था। तो यहाँ से सब कुछ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट वाला एक और वेबसाइट आपको बता दे रहा हूँ, और चौथा लास्ट वेबसाइट है सरकारी नौकरी डेली इन। ठीक है, देखिए यहाँ इसी को हम ले लेते हैं, टाइम बचाते हुए ले लिया हूँ। अब आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप साइड में इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ देखिए ये चेक लगा दिया, अब देखिए ये हो चुका है इस तरह का। अब यहाँ भी आपको ताज़ा नौकरियों का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोबाइल पर फॉर्म भरना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आप भी कोशिश कीजिए और मोबाइल पर ही अपना फॉर्म डालिए और अपना पैसे को बचाइए, टाइम को भी बचाइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।